जय हिंद। ओके बच्चों, तो आज से हम अपना अभ्यास कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे पार्ट 4 कृष्ण सुधामा का रिवीजन और उसके बाद हम करेंगे रिवीजन टेस्ट। ओके, सो यू ऑल टेक आउट योर नोटबुक विद पेंसिल एंड इरेजर। सबसे पहले मैं आपको रिवीजन कराऊंगी और रिवीजन के बाद फिर मैं आपको एक टेस्ट जो है वो समझाऊंगी और उसके कुछ टाइम बाद मैं आपको उसकी आंसर की भी सेंड कर दूंगी। ओके बच्चों, सो फर्स्टली ऑल टेक आउट योर बुक पाठ कृष्ण सुदामा। बच्चों ये पाठ हमने पढ़ा था कृष्ण और सुदामा का। इसमें दो मित्र हैं कृष्ण और सुदामा। इसमें से कृष्ण जी जो थे वो द्वारिका के राजा बने और जो सुदामा जी थे वो गरीबी में दिन गुजार रहे थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने बोला कि आप जाइए और अपने दोस्त के पास कुछ मदद के लिए और आप जाइए। तो सुदामा जी उनके पास जाते हैं और कृष्ण जी जो हैं उनकी मदद करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी मदद करते हैं जो सुदामा जी को अपने घर पहुंचने तक नहीं पता होती है। लेकिन बाद में जब वो घर जाके देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके झोपड़ी की जगह एक महल बनकर तैयार हो गया है। तो सुदामा जी समझ जाते हैं कि ये जो चमत्कार है ये कृष्ण जी ने किया है, उन्होंने सच्ची दोस्ती अपने मित्र के साथ निभाई है। तो हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ सच्चा होना चाहिए, हमें हमेशा परेशानी में उनकी मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। ओके बच्चों, तो अब मैं इसकी बुक का रिवीजन आपको करा देती हूँ, बुक वर्क का। तो बच्चों इसमें जो है सबसे पहले हम करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर चुनो। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें सही उत्तर दिए गए हैं उन पे हमें निशान लगाना है। जैसे पहला दिया है, सुदामा को जब समय मिलता था तो वह क्या करते थे, वह भजन करते थे, नौकरी करते थे या खेती करते थे। जब भी सुदामा को समय मिलता था तो वह हमेशा भजन करते थे। दूसरा है, कृष्ण और सुदामा कहाँ पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, वो द्वारिका जी में पढ़ते थे, आश्रम में पढ़ते थे या गोकुल में पढ़ते थे। वो दोनों पढ़ते थे एक ऋषि के आश्रम में, अपने गुरु के सानिध्य में वो दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे। उन दोनों की जो दोस्ती थी वो वहीं हुई थी, एक आश्रम में जहाँ वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। वहीं कृष्ण जी और सुदामा जी मित्र बन गए थे और एक ऐसे मित्र बन गए थे जिसमें कृष्ण जी ने राजा होने के बाद भी अपने गरीब दोस्त की कभी उनको ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि वो गरीब हैं और कृष्ण जी द्वारिका के राजा हैं। तो उन्होंने अपने दोस्त से जो मित्रता की थी, जो दोस्ती की थी, वो एकदम सच्ची दोस्ती थी उनकी। सुदामा ने लौटकर अपनी झोपड़ी की जगह क्या देखा, क्या देखा था बच्चों सुदामा जी ने अपनी झोपड़ी की जगह, सुदामा जी ने क्या देखा था, सुदामा जी ने खेत देखे थे, महल देखा था या फिर जंगल देखा था। जब बच्चों सुदामा जी अपने नगर वापस आए, वो यही सोचते सोचते आ रहे थे कि कृष्ण जी ने तो मेरी कोई मदद नहीं की, अब कैसे होगा, मेरी पत्नी जो है वो गुस्सा होगी घर जाके, वो सोचेगी कि उनके दोस्त ने कोई मदद नहीं की। वो यही सोचते सोचते अपने नगर पहुंच गए और जब वो अपने घर अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक महल बनके तैयार हो चुका था। उन्हें बिल्कुल आभास नहीं था, आभास मीन मतलब बिल्कुल उनको ये फीलिंग नहीं थी कि कृष्ण जी उनकी इतनी मदद करेंगे, उनके घर की जगह एक महल बना देंगे। लेकिन कृष्ण जी ने अपनी सच्ची मित्रता दिखाई और सुदामा जी के झोपड़ी की जगह उनके घर पहुँचने तक एक महल बनाकर तैयार करवा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। ये देखिए हमारे पास कुछ फिलअप्स हैं, इन फिलअप्स में से हमें सही ऑप्शन चुनना है और फिल करना है। जैसे इसमें पहला है, कृष्ण और सुदामा सच्चे थे, क्या थे, सच्चे शत्रु थे या मित्र थे, वो लोग सच्चे मित्र थे, सच्ची मित्रता थी उनकी बिल्कुल। ऐसे ही दूसरा है, सुदामा गाँव में रहकर में दिन गुजारने लगे, गरीबी में या अमीरी में। सुदामा जी बहुत गरीब थे इसीलिए उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम जाओ अपने मित्र के पास तो वह तुम्हारी जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। इसीलिए सुदामा जी कहाँ चले गए, वो अपने दोस्त के पास द्वारिका जी चले गए थे, क्योंकि वो सुदामा जी गाँव में रहकर गरीबी में दिन गुजार रहे थे।
ओके नाउ नेक्स्ट है, सुदामा की पत्नी ने उन्हें दी, क्या दी थी, रोटी दी थी या सलाह दी थी? उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह दी थी कि आप जाइए अपने दोस्त द्वारिका के राजा कृष्ण जी से जाके मिलिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया, सीने से लगाया था, गले से, उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। उनके आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, अपने मित्र को इतने सालों बाद देखकर वो बहुत खुश हुए। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट है, पाठ में से छोटा ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द चुन के लिखो। कौन कौन से लिखे थे हमने? देखिए दिन और पत्नी तो उन्होंने हमें बुक में पहले ही लिखा हुआ मिला था, फिर हमने लिखे थे द्वारिका, मित्र, विचार, जीवन, गरीबी, पोटली, ये छोटी ई की मात्रा के और ये हमने बड़ी ई की मात्रा के लिखे थे। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने क्या किया था बच्चों, नेक्स्ट हमने किया था पढ़ो समझो और संयुक्त व्यंजनों के दो दो शब्द और लिखो। देखिए हमें एक एक तो लिखा हुआ दिया था, ठीक है, और दो दो हमने और लिखे थे, जैसे आधा का और श को मिला के बनता छ, और हमने क्षमा यहाँ लिखा हुआ था, हमने सेकंड लिखा क्षणिक और क्षण। ऐसे ही आधा ता और रा को मिला के बनता है त्र, यहाँ पर त्रिशूल लिखा हुआ था, नेक्स्ट हमने लिखा त्रिकोण और त्रिदेव। आधा ज और अह खाली को मिलकर बनता है ज्ञानी, तो ज्ञान और मैंने क्या लिखा नेक्स्ट, ज्ञानी और ज्ञात। ऐसे ही आधा श और रे को मिलता है से बनता है श्रो, यानी कि श्रावण। हमने क्या लिखा नेक्स्ट, श्रम और श्रवण। उसके बाद है नेक्स्ट, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। देखिए इसमें एक हमें करके दिया था उपहार का भेंट, ऐसे ही हमने नेक्स्ट मिलाया था दोस्त का मित्र, द्वारपाल का पहरेदार, दया का कृपा और मोर का मयूर। बच्चों अब हम करेंगे इसी पाठ के हम कठिन शब्द, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर का रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कठिन शब्द का रिवीजन करते हैं। कठिन शब्द हमारे कौन कौन से हैं? आश्रम, मित्र, पोटली, छोपड़ी, गांव, भजन, द्वारिका, पत्नी। उसके बाद आते हैं हमारे शब्द अर्थ। डावाडोल मीन्स बच्चों क्या होता है? कभी इधर कभी उधर। भजन मीन्स भगवान का नाम लेना। सिंहासन मीन्स राजा की गद्दी। द्वारपाल मीन्स पहरेदार। और आश्रम में संतों के रहने का स्थान जहाँ संत लोग रहते हैं। पोटली, पोटली मीन्स होता है बच्चों छोटी गठरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न उत्तर, सुदामा कृष्ण को भेंट देने में क्यों संकोच कर रहे थे? सुदामा कृष्ण को भेंट देने में इसीलिए संकोच कर रहे थे क्योंकि कृष्ण एक राजा थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी छोटी सी, इतनी तुच्छ भेंट, छोटी मतलब तुच्छ भेंट, एक छोटे थोड़े से चावल एक गठरी में मैं उन्हें दूंगा तो उन्हें कैसा लगेगा कि एक राजा को मैं क्या दे रहा हूँ, तो इसलिए वो थोड़े संकोचित थे। कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? कृष्ण ने सुदामा का स्वागत उनके पैरों को अपने हाथों से धोके किया। बच्चों आप लोग जानते हैं जब सुदामा जी कृष्ण जी के पास पहुंचे तो वो दौड़कर, उन्होंने अपनी जूतियां, अपनी चप्पल भी नहीं पहनी और वो दौड़कर नंगे पैर ही महल के गेट पे पहुंचकर अपने दोस्त को लेके आए और उन्हें गले से लगा लिया। और जब वो उनके पैर धो रहे थे तो उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि वो उससे ही उनके पैर धुलते चले गए सुदामा जी के। उन्होंने अपने आंसुओं से और पानी से दोनों से सुदामा जी के पैर धोए और उन्होंने उन्हें अपने सिंहासन पर भी बैठाया। नेक्स्ट बच्चों, घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा? सुदामा ने घर पहुंचकर देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब महल खड़ा था। नाउ नेक्स्ट, चित्र पहचान कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें आपको चित्र दिया गया है और एक वाक्य दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, इस चित्र को देखना है, उसका वाक्य, इस चित्र का नाम लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। कृष्ण की बांसुरी की आवाज बहुत मधुर है। दूसरा है झोपड़ी, झोपड़ी, सुदामा एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किया रिविजन। अब मैं आपको आपका टेस्ट समझा देती हूँ जो आपको करना है। ठीक है बच्चों,
सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट डालनी है, फिर डे लिखना है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, अभ्यास कार्य डालना है। पाठ का नेम लिखना है आपको, ठीक है, नंबर लिखना है, फिर पाठ का नेम लिखना है। उसके बाद क्या है हमारा, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। मैं अभी आपको आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये आंसर्स आपको खुद से कर लगाने हैं, ठीक है बच्चों, मैं बाद में आपको आंसर की सेंड करूंगी। सुदामा को जब समय मिलता था तो वह क्या करते थे, भजन करते थे, नौकरी करते थे, खेती करते थे, या फिर मजदूरी करते थे। अभी हमने पाठ में रिवाइज किया था बच्चों कि वो क्या करते थे। कृष्ण और सुदामा के गुरु रहते थे कहाँ, नगर में, समुदाय में, आश्रम में, या फिर भरतपुर में। थर्ड है, सुदामा की पत्नी पड़ोस से चावल ले आई थी, ये बात सही है या फिर गलत है। कृष्ण और सुदामा शत्रु थे, ये बात सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारपाल का अर्थ होगा, क्या होगा द्वारपाल का अर्थ, नटवरलाल, उपहार, पहरेदार, या फिर मित्र। नेक्स्ट है, पोटली का अर्थ होगा चूड़ी, कपड़ा, छोटी गठरी, या फिर खेती। शब्द का सही रूप चुनिए, जहां भी आपका ये आएगा ना कि शब्द का आपको सही रूप चुनना है, दैट मीन्स ये आपका डिफिकल्ट वर्ड में से कोई एक जो सही लिखा हुआ है उस पर आपको राइट करना है। झोपड़ी, ये झोपड़ी सही है या ये वाला झोपड़ी सही है, वो आपको देखना है, इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है जो आपको सर्च करना है, ठीक है। सो झोपड़ी, झोपड़ी, झापट, झागड़, ठीक है, इसमें से जो भी आपको सही लगता है आप उसको टिक करिए। घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा, महल की जगह बगीचा बन गया था, झोपड़ी की जगह मकान बन गया था, झोपड़ी की जगह महल बन गया था, झोपड़ी की जगह दीवार बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिलिप, सुदामा गांव में रहकर में दिन गुजारने लगे, अमीरी में, खेल में दिन गुजारने लगे, गरीबी में दिन गुजारने लगे, या फिर नाचने में दिन गुजारने लगे। कृष्ण की बांसुरी बहुत सुंदर थी, इस वाक्य में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, घड़ा का, बांसुरी का, बांस का, या फिर घड़ी का। ये आपको डिसाइड करना है कि किसका प्रयोग किया गया था। आप इस अगर आप इस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें किसका प्रयोग हुआ है। ओके बच्चों, तो आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय ऑल।